देश में लगातार कम हो रहे कोरोना मामलों से काफी राहत मिली है। लगभग सभी राज्यों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 424 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 7 महीने से भी अधिक समय बाद अब तक की सबसे कम संख्या है। वहीं एक दिन में यहां कोरोना के संक्रमण से 14 और लोगों की मौत हो गई है और संक्रमण की दर 0.62% हो गई है। इस समय दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 6.26 लाख से अधिक है। वहीं इस महामारी के कारण 10,585 लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले दिल्ली में शनिवार को 494 नए मामले सामने आए थे। बता दें कि 21-23 दिसंबर से प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों की संख्या 1,000 से नीचे है। 21 दिसंबर को 803 नए मामले सामने आए थे, 22 दिसंबर को 939 और 23 दिसंबर को 871 नए मामले सामने आए थे। हालांकि 24 दिसंबर को 1063 नए मामले सामने आए थे, फिर 25 दिसंबर को ये संख्या कम होकर 758 और फिर 26 दिसंबर को 655 हो गई थी। 27 दिसंबर को 757 मामले सामने आए थे, जबकि 28 दिसंबर को एक दिन में सामने आने वाले नए मामलों की संख्या 564 थी, जो पिछले 5 महीनों में सबसे कम थी। 29 और 30 दिसंबर को दिल्ली में क्रमशः 703 और 677 मामले सामने आए थे। 31 दिसंबर को 574 मामले और 2021 के पहले दिन 585 नए मामले सामने आए थे। देश की बात करें तो अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1.034 करोड़ हो गई है, जिनमें से 99.46 लाख लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 96.15% से ज्यादा है। यहां संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 1.49 लाख है। देश में कोविड 19 के कारण मृत्यु दर 1.45% है और आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय 2.42 लाख संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है, जो कुल मामलों का करीब 2.39% है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।